नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कुलहेड़ी में 10 दिन पहले हुई 71 मधुमक्खी डब्बे चोरी की घटना का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका दूसरा साथी पुलिस को चकमा कर फरार हो गया। पुलिस ने चोरी किए गए 71 मधुमक्खी के डब्बे घटना में प्रयुक्त की बोलेरो पिकअप और तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए चोर का चालान करते हुए जेल भेज दिया। सीओ सदर राजकुमार साहू ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया है। दरअसल चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कुलहेड़ी के जंगल में बिलाल के खेत से लगभग 10 दिन पहले अज्ञात चोरों ने तितावी थाना क्षेत्र के गांव करवाड़ा निवासी अजय कुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह के मधुमक्खी के 71 डब्बों को चोरी कर लिया था। पीड़ित ने पुलिस को 3 दिन पहले ही तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस के द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से घटना का सफल अनावरण करते हुए सीएसओदर राजकुमार साहू के कुशल निर्देशन में चरथावल प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह के नेतृत्व में हिंडन चौकी प्रभारी रूपेश कुमार, यूटी उप निरीक्षक सुमित कुमार, हेड कांस्टेबल अरुण कुमार, कांस्टेबल दीपक आदि ने शनिवार को गुरुकुल आश्रम के पास चरथावल से बोलेरो पिकअप से मधुमक्खी के डब्बे बेचने जा रहे चोर मोनू उर्फ मनमोहन कश्यप पुत्र राजपाल निवासी गंदेवड़ा थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली को गिरफ्तार किया, जबकि उसका दूसरा साथी दीपक कश्यप निवासी बखरा थाना तितावी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के पास से चोरी किए गए 71 मधुमक्खी के डब्बे घटना में प्रयुक्त की गई बोलेरो पिकअप गाड़ी और तमंचा कारतूस बरामद किए। देखिए, थाना चरथावल के ग्राम कुलहेड़ी में बिलाल नाम के एक व्यक्ति के खेत से 71 मधुमक्खी के बॉक्स चोरी हो गए थे। उस चोरी का आज थाना चरथावल पुलिस के द्वारा सफल अनावरण किया गया है और गाड़ी मुलजिम और माल की 100% बरामदगी की गई है। घटना के विवरण इस प्रकार है कि 2 तारीख को पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ, 2 तारीख की घटना है जिसमें वादी मुकदमा ने बिलाल के खेत पर मधुमक्खी पालन के लिए 71 बॉक्स रख रखे थे और इसके खेत से कुछ अज्ञात चोरों द्वारा सारे बॉक्सों को चोरी कर ली गई थी। वादी मुकदमा द्वारा लगातार प्रयास किया गया ढूंढने का प्रयास करने को, जब इसे ना मिला तो थाने पर सूचना दिया। थाने पर सूचना देने पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत हुआ और टीम तत्काल उसे माल मुकदमा बरामदगी और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए सब टीमें कार्य करने लगी। पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी के अवलोकन से एक सीसीटीवी में घटना में अभियुक्त द्वारा गाड़ी ले जाना दिखा तो उसमें पुलिस ने सक्रियता से जब उसके बारे में विस्तार से जानकारी करी तो वह गाड़ी देवगन थाना क्षेत्र की थी। उस गाड़ी के बारे में मालिक को ट्रेस करने से और उसे पूछताछ पे मालिक ने बताया कि शामली के ग्राम गंदेड़वा का रहने वाले एक मोनू मनमोहन है जिसने गाड़ी बुक किया था और उस गाड़ी को बुक करने के बाद उस गाड़ी को यहाँ ले आया कुलेड़ी गांव में और रात में तकरीबन 9:30-10 बजे के लगभग में सारे 71 बॉक्स को गाड़ी में रखकर और उसको देवबंद में ही एक स्थान पर ले जाकर उसे छिपा दिया था। आज रात में 12 बजे के तकरीबन गाड़ी में भरकर पिकअप गाड़ी में सारे बॉक्स को ये राजस्थान बेचने के लिए ले जा रहा था। मुखबिर द्वारा जब सूचना प्राप्त हुआ पुलिस ने सक्रियता से दबिश देकर और हिकमत अमली से माल और मुलजिम को पकड़ा। उसमें एक जो अभियुक्त और था दीपक कश्यप पुत्र, उनका जो बगरा कराने वाला है अभियुक्त ने बताया वो भाग गया था मौके का फायदा उठाकर। बहरहाल जो मुख्य मुलजिम था मोनू मनमोहन वो पुलिस ने उसे पकड़ रखा है और जो माल जो चोरी गया था 71 बॉक्स 100% बरामदगी हुई है। पुलिस ने इस पे हम लोगों ने पूरा भी जांच के भी मुकदमे अभी निकल कर नहीं आया। बहरहाल हम लोग और दूसरे जनपद के और जगहों से बात करके DCRP से हम लोग रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं। अभी आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। बहरहाल ये आज ये बेचने के लिए ले जा रहे थे खुसरोपुर में गुरुकुल आश्रम के पास रजवाहे के पास। जब ये माल गाड़ी में रखकर अपने एक ड्राइवर के इंतजार कर रहे थे तभी वो पकड़े गए। बहरहाल माल बरामद है पुलिस के कब्जे में लेकर उसे अभी वादी मुकदमे में सुपुर्द किया गया है। अभियुक्त से पूछताछ करके मुकदमे का खुलासा करके उसे नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। खुल गया है आपके शहर मुजफ्फरनगर में अन्ना रोल गोल फास्ट फूड, जहां पर आपको मिलेगा बेस्ट क्वालिटी फास्ट फूड, वो भी 30% डिस्काउंट के साथ। जो आए एक बार वो खाए बार बार, एक बार जरूर आए। पता अन्ना रोल गोल फास्ट फूड, देवपुरम माउंट लिटर जे स्कूल के सामने, गांधी कॉलोनी, लिंक रोड, जनपद मुजफ्फरनगर।
बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, जैसे डोसा, चाप, रोल्स, पनीर रोल, नूडल्स, चाउमीन, मंचूरियन, ये सब बेस्ट क्वालिटी मिलता है। तो एक बार खाता है वो बार बार आता है। हमारे यहाँ ईद के और नवरात्रे के मौके पर एक ऑफर मिल रहा है, इसमें 30% ऑफ मिलेगा 11 तारीख से 20 तक। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।